हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीट के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा देने के कारण इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और 3 सीटों पर 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। देहरा, हमीरपुर में कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं नालागढ़ सीट की बात करें तो भाजपा के बागी हरप्रीत सैनी निर्दलीय लड़ रहे हैं। सैनी ने मुकाबला तिकोना कर दिया है। उपचुनाव को सीएम सुखू की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है, क्योंकि देहरा विधानसभा सीट पर उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद खाली हुई देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में हैं और 3 विधानसभाओं में वोटिंग के लिए 315 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वोटिंग से एक दिन पहले मंगलवार को दावा किया कि 68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस की सीट की संख्या 38 से बढ़कर 41 हो जाएगी और इसके साथ साथ ट्वीट करके भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं इस मुद्दे पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं बहुत उम्मीद में हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। अभी जो सूचनाएं मिली थी उस सूचना के मुताबिक हमको जानकारी मिली है कि अभी 16% से ज्यादा मतदान हो चुका है और निश्चित रूप से इन 3 विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने अपने दबाव का पूरा इस्तेमाल किया है। और मैं इस बात को कहूं कि सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई गई है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा पूरा दिन थाने में बैठा के रखा, उनकी गाड़ियां थाने में जमा करके रखी, ना कुछ उसमें प्राप्त हुआ ना कुछ उसमें मिला, लेकिन उसके बावजूद भी विधायकों के पीछे गाड़ियां लगा करके रखी थी। सिविल ड्रेस में पुलिस के जवान हमारे CID करने के लिए लगा के रखे थे, फोन सर्विलेंस पे थे। क्या नहीं किया गया इस चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पूरा भरोसा है कि देहरा विधानसभा क्षेत्र की जनता, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता और हमीरपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजेगी। कांगड़ा जिला देहरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां कमलेश सिंह कांग्रेस की तरफ से, होशियार सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सुलेखा देवी निर्दलीय खड़ी हैं। वहीं अरुण अंकेश सयाल और एडवोकेट संजय शर्मा भी निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में हैं। हमीरपुर क्षेत्र की बात करें तो हमीरपुर से आशीष शर्मा BJP से और डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो नंदलाल शर्मा चुनावी मैदान में हैं। वहीं तीसरी सीट नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हरदीप सिंह बावा इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं। वहीं KL ठाकुर BJP की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। किशोरी लाल शर्मा स्वाभिमान पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हरप्रीत सिंह और विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं। आपको बताएं कि देहरा में कमलेश ठाकुर जीत गईं तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख बढ़ेगी और हमीरपुर और नालागढ़ भी जीते तो कांग्रेस की सीट 40 हो जाएगी। भाजपा हमीरपुर उपचुनाव जीतती है तो इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के विरोधियों के मुंह बंद कर देंगे। लंबे समय से इस सियासी घमासान के बाद निर्दलीयों के इस्तीफों से खाली हुई देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ हलकों में सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों के नतीजे जिसके पक्ष में जाएंगे उसकी साख बढ़ाएंगे, मगर इन उपचुनावों से फिलहाल मौजूदा सरकार पर कोई संकट दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि दोनों दलों को एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए एक और मुद्दा मिल जाएगा।